उसको खा भी सकते हैं, गेंदा के फूल को उसको खा भी सकते हैं, उससे भी उसमें लाभ मिलता है। गेंदा के पत्ता के रस को पी भी सकते हैं। आपण घर चारिपाखे विभिन्न प्रकार औषधीय गछ रही जहाँ विभिन्न रोगर रामवाण सदृश, किंतु एसबुर ज्ञान आम पाखे नार व्यवहार आम कर समस्त घरे अच्छी, किंतु आमे एही गछर उपयोगी विषय जाणी ना। गेंडु फूल गछ, यार फूल देखा जी सुंदर, यार बास्ना मध्य सेतिक सुगंधित। प्रतिदिन यहाँ आम ठाकुर पाखे लगे मांगलिक कार्य ठार आरंभ कर साजसजा सबु जगार गेंडु फूल दरकार पड़ता है, किंतु एषधीय गुण विषय कहीं जाणी ना। देखे गेंदा का जो पत्ता होता है, गेंदा का पत्ता जो है एंटी एलर्जी है। मान लीजिए कि किसी को कहीं कट गया है, गेंदे के पत्ता को उसको जरा सा हाथ में लेके उसको मसल दीजिए और उसको रस को निचोड़ दीजिए, और रस को निचोड़ के जहां कट गया है वहां उसको लगा दीजिए, तुरंत उसका ब्लड बंद हो जाएगा। गेंडु गछर पत्र आउ फूल भरी रही विभिन्न प्रकार औषध, यहाँ व्यवहार करने द्वारा शरीर क्षेत्र भल होता है। चिकित्सक दावी करती प्राचीन काल में जिते बेले औषधर विकसित हो नथिला एहा बहु मात्रा रे व्यवहार कराउथा बोली कुआ जाए। हजारीबाग रो विभिन्न गाँव रे एबे मध्य आकु व्यवहार कराउछि, घाव भी पूरा भर जाएगा। मतलब इतना फायदेमंद, इतना फायदेमंद है। अच्छा, फूल जैसे दूसरे दांत काज खुजली में इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर? हां, तो उसको खा भी सकते हैं। गेंडु गछर फूल ठारु पत्र सबुथिरे भरी रही औषधीय गुण, देहर कौन जगार क्षत हेले यार पत्र रस को तुरंत से क्षत जगार लगातु, जहाँफल आपणकर रक्त बोहिबा बंद हो। गेंदा के फूल को उसको खा भी सकते हैं, उससे भी उसमें लाभ मिलता है। गेंदा के पत्ता के रस को पी भी सकते हैं। अच्छा, ये सारी खाज खुजली जो अंदर से भी साफ, हाँ, अंदर से ब्लड को भी ठीक कर देगा। यार पत्र को दलिकी लगवा पर क्षत भल हो बोली जन विशेषज्ञ, यार फूल को विशेषज्ञ यहाँ खावा द्वारा शरीर भितर रक्त को सफा करिवारे साहाज्य करिथाय बोली दाबी करिसंती एही विशेषज्ञ जनक। रिपोर्ट लोकालिटी ओडिया।